वो जो सारी फाइल्स हैं वो मिस्टर गुप्ता को दे देना और बाकी की जितनी भी कोटेशन। हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये तो रवि का भाई है जो शादी से भाग गया था, ये यहाँ क्या कर रहा है? निवी, तुम्हारे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रवि मॉन्टी को लेकर परेशान है, अब ऐसी सिचुएशन में अगर तुम मॉन्टी को रवि के पास ले जाती हो तो ही विल बी ग्रेटफुल टू यू, तुम्हारा एहसान मानेगा, तुम्हारे करीब आ जाएगा। और वो एमएलए, उसे भी मैं सबक सिखा सकूंगी कि निवेदिता लूथरा को डबल क्रॉस करने का नतीजा क्या होता है। अजीब बात है, अभी तो बड़ा मुस्कुरा रहा था, अचानक से फोन आया तो उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहीं ये मॉन्टी से बात तो नहीं कर रहा? माफ कीजिएगा अब मुझे निकलना होगा। वो क्या है कि पार्टी ऑफिस से फोन आया था, अर्जेंटली बुलाया, चलता हूँ। अगर पार्टी की मीटिंग होती तो इतना परेशान नहीं होता। जरूर मोंटी को लेकर कोई अर्जेंट बात है, मुझे इस कमीने का पीछा करना होगा, यही मुझे मोंटी तक लेके जाएगा। चाची, वो क्या है कि मिस लूथरा का फोन आया था अभी और एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तो मुझे ऑफिस जाना होगा, मैं चलता हूँ अभी। इस वक्त मीटिंग? हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि कल क्लाइंट से मिलना है तो बहुत सारी डिस्कशन आज ही करनी है, इट्स वेरी अर्जेंट, माफी चाहता हूँ, जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं रवि, काम बहुत जरूरी है और वैसे भी फंक्शन तो पूरा हो चुका है, जाओ अपना काम पूरा करके। ठीक है। और चाची एक बात और, मैं अपनी एक बड़ी ही प्यारी सी अमानत आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, प्लीज ख्याल रखिएगा। ठीक है रवि, तुम्हारी प्यारी सी अमानत का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो मैं चलूं? चलो। बाइक को दिख रहा है, ऑटो चला गया ये मॉन्टी, कितना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा था।
मिस नुसरत, क्या हुआ? आपने इतना अर्जेंटली फोन करके मुझे बुलाया? रवि, बात ही इतनी इम्पोर्टेंट थी कि तुम्हें बुलाना ही पड़ा। क्या क्या बात है, मुझे बताइए आप। रवि, मैंने आज मोंटी को देखा। मोंटी को? लेकिन कहाँ देखा आपने मोंटी को? मैं अंबाला कैंट से गुजर रही थी, वहाँ सदर बाजार में मैंने उसे देखा। फौरन गाड़ी से उतर कर मैंने उसका पीछा किया रवि, और मैंने ये सब इसलिए किया रवि क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे लिए मोंटी का मिलना कितना जरूरी है। लेकिन मिस लूथरा, आपने उससे बात की, मतलब उसका पीछा किया कुछ? नहीं रवि, एक्चुअली रवि मैंने उसका पीछा किया, मैं उसका पीछा कर रही थी, पर वो अचानक किसी गली में घुस गया, और जब तक मैं वहां पहुंची रवि, I had lost him। मैंने उसके बाद भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने यहाँ वहाँ लोगों से भी पूछा, लेकिन मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं थी ना। I tried my best for you, Ravi. Thank you so much, Miss Luthra. मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने इतना कुछ मेरे लिए किया, Miss Luthra, एक तरफ मेरी वाइफ है जो मेरे इतने खिलाफ है, और एक तरफ आप जो मेरे लिए। थैंक यू सो मच मिस लूथरा, थैंक यू सो मच। इसी रवि, इसी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लूथरा, क्या हुआ? ये आप क्या कर रही हैं? रवि प्लीज प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात थी जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। आज तुम्हारी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। रवि रवि प्लीज मुझे अपने करीब आने का एक मौका दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी बीवी से अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी मैं। I promise you, रवि। रवि प्लीज, तुम नहीं जानते, जब से मैंने तुम्हें देखा, जब से तुम्हें मिली हूँ, मेरे दिल मेरे दिमाग पर सिर्फ तुम रहते हो। रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लंच रेडी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर मुझे डिस्टर्ब करने की? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें, नहीं चाहिए मुझे लंच। जाओ, निकल जाओ यहां से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यू आर फायर्ड, जस्ट गो। अच्छा सपना था, मुझे इस सपने को सच करना ही होगा, जल्द से जल्द। ये तो वही जगह है जहां पर वो पार्टी हुई थी, और जहां पर मोंटी और साक्षी को ड्रग से चक्कर में फंसाया था। लेकिन साकेत यहां पर क्या कर रहा है? ये तो वहां पर ये बोलकर आया था कि किसी पार्टी के काम से जा रहा है, पर यहां पर क्यों आया ये? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, पता करना पड़ेगा। ये इस वेटर के साथ क्या कर रहा है, और इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? तो क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? मोंटी और साक्षी को फंसाने के लिए पैसे दिया था ना, तो किस बात का एक्स्ट्रा पैसे? अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो भारी पड़ेगा तुझे, समझे? जो पैसे मिले ना उसमें खुश रहे। लेकिन सर, इतना बड़ा और जोखिम काम था, आपको नहीं पता सर कितनी बातें बनानी पड़ी, पुलिस की पूछताछ के बाद भी कितना झूठ बोलना पड़ा, और सर आपने दोनों के रूम में ड्रग्स का पैकेट रखवा दिया, उसकी वजह से हमारे होटल का लाइसेंस कैंसिल होते होते बचा, फिर भी किसी से कुछ भी नहीं कहा, यहां तक आपका नाम तक नहीं लिया।
इसका मतलब ये सारा खेल साकेत का रचा हुआ था, वरना उस पार्टी में कुछ भी गलत नहीं होता। मतलब इस कमीने ने जानबूझकर मोंटी और साक्षी को बदनाम किया है। लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है, चलो यहां से। मुझे देखा नहीं, अगर उसे मालूम हो जाता कि मैं सब कुछ जानता हूं तो कोई ना कोई प्लान ही करता अपने आप को बचाने के लिए। रोहित बेटा, ये साकेत बहुत ही खतरनाक आदमी, बहुत ही कमीना आदमी है। इसने मोंटी और साक्षी को फंसाया, इसकी तो मिस लूथरा का फोन इस वक्त। रवि जल्दी से फोन उठाओ, जितनी जल्दी तुम फोन उठाओगे उतनी जल्दी मेरा यह सपना सच होगा। इनसे मैं भी बात नहीं कर सकता, मुझे उस लेडी को ढूंढना है। फोन काट दे रवि, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतनी बेचैन हूँ और तुम हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मुझे ब्लैकमेल करेगा तू? मुझे सर जी बस थोड़े से और दे दो, रिपोर्ट मुझे बहुत जरूरत है, बहुत टेंशन में हूँ। वहाँ गांव में सूखा पड़ा है, बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं साहब। ये सब अच्छा जी, भूखे मर रहे हैं? चल उनका तो पता नहीं, तेरी भूख मिटा देता हूँ मैं। बोल कितना खाएगा? अरे सब क्या कर रहे सब? कितनी गोली खाएगा तू? कितनी गोली खाएगा? एक गोली, दो गोली, तीन गोली खाएगा? माफ कर दीजिए मुझे सब, गलती होगी सर। अगर दोबारा गलती करेगा तो एक गोली ना सारे डाल दूंगा तेरे अंदर, समझ गया? जी जी, बहुत अच्छे से समझ गया साहब। अंबाले में देखना मत दोबारा। जी नहीं देखूंगा साहब। और एक बात, गांव में तेरे बीवी बच्चों के ऊपर मेरे आदमियों ने नजर रखे हुए हैं, अगर तूने एक और गलती की ना तो पूरे खानदान का राम नाम तक पे कर दूंगा मैं, समझ गया? कोई गलती करने की जरूरत नहीं। हाथ बढ़ा। 110 रुपए गांव जाने के पैसे और बाकी से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लेना। सुन, दोबारा दिखना मत। सर आज की ड्यूटी खत्म करते ही चला जाऊंगा। नहीं दिखेगा? नहीं दिखूंगा साहब, कभी नहीं दिखूंगा। अच्छी बात है, चल जा। साक्षी तू ठीक है ना? देख अगर तेरे मन में कोई भी बात है ना तो मुझे बता दे। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगी तो मुझे बता दे। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं सबसे बात करूंगी। साकेत जी की भी टेंशन मत ले, मैं उन्हें मना लूंगी किसी भी तरह। अगर देवी का साकेत कपूर होता तो बहुत अच्छा होता। आ इतना गुस्सा? हम दोनों का कमरा। और मजे की बात है कि जब मेरा मन करेगा मैं छूंगा तुम्हें। बोल ना साक्षी, क्या सोचने लगी? कुछ अगर ऐसा है तो मुझे बता दे। दी, मैंने तो शादी के लिए हाँ कर दी है ना दी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, फिर भी यही फील हुआ, सब कुछ हमारी मर्जी से तो नहीं होता है ना। कुछ रीजंस ऐसे हैं जिस वजह से साकेत जैसा भी हो मुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी, और मैं करूंगी ये शादी, डोंट वरी। साक्षी मुझे तुझसे एक और बात कहनी है। हाँ बोलो दी। वो
रवि, रवि तुझसे शायद ये शादी करने के लिए मना करे। पता नहीं क्यों नहीं चाहता कि तेरी और साकेत जी की शादी हो। इसीलिए वो आएगा, तुझे समझाएगा, बहकाएगा, लेकिन तू उसकी बातों में मत आना। मैं जानती हूँ जीजू ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी तरह वो भी जानते हैं साकेत की सच्चाई क्या है और उन्हें मेरी फिक्र है। साक्षी, ठीक है दी, पर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बोलना। मुझसे प्रॉमिस कर कि आप रवि जीजू के साथ मेरी वजह से कभी नहीं लड़ेंगे, उन्हें कभी दुख नहीं देंगी। कि मेरी विश है दी, क्यों समझ लो कि इस शादी के लिए कि मेरी एक शर्त भी है। साक्षी, तू मेरी और रवि की बिल्कुल टेंशन मत ले, तू बस अपना ख्याल रख। नहीं दी, आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा, आप रवि जीजू को समझने की कोशिश करेंगी, उन्हें खुश रखेंगी। ठीक है, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि एक पत्नी होने के नाते मैं हर वो फर्ज निभाऊंगी जो एक पत्नी को अपने पति के लिए निभानी चाहिए। उसको खुश रखूंगी मैं। बस अब तुझे कैसे बताऊं साक्षी, तू तो जानती भी नहीं है कि तेरे रवि जीजू ने तेरे साथ कैसा गेम खेला है, कितना बुरा किया है उसने तेरे साथ। मोंटी को शादी से उसने ही भगाया है, उसने तेरी खुशियां मिटा दी और तू अब भी उसके बारे में सोच रही है, उसकी इतनी फिक्र कर रही है। आपकी घड़ी, भलाई का जमाना नहीं है। हेलो मैनेजर, रुकिए एक मिनट, बात करनी है आपसे। ये कैसी सर्विस है आप लोगों की? हम लोग कंप्लेन कर करके थक गए, हमारे वॉशरूम में टैप लीक हो रहा है, पूरा पानी बह गया, डेस्क पे कंप्लेन किया तो कोई रिस्पांस नहीं है। I'm really sorry for the inconvenience, ma'am. आप मुझे प्लीज दो मिनट दीजिए, मैं किसी को भेजता हूँ। अरे हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी चेक करिए, चलिए हमारे साथ, देखिए क्या प्रॉब्लम है। मैम एक काम कीजिए, आप रूम में पहुँचे, मैं बस अभी आया दो मिनट में। जी नहीं, आप प्लीज अभी चलिए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके चलिए। देखिए यहाँ से पानी लीक हो रहा है, वहाँ से लीक हो रहा है, हर जगह से तो पानी लीक हो रहा है, कैसी सर्विस है आप लोगों की? स्वेटर का मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन कहाँ मिलेगा, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम उसका। ये तो वही वेटर है। एक्चुअली मैं माफी चाहता हूँ, ये सब ठीक करने के लिए ना मुझे कुछ टूल्स चाहिए होंगे, मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी चाहिए, जल्दी से लेकर आइए। थैंक यू मैम, जल्दी चाहिए। बेटा। हाँ जी सर।
कौन? पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। मैं यहाँ पर नया हूँ। ओह, तो सर बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो तुम जानते हो। मैं? सर मैं कुछ समझा नहीं। साकेत ने यहाँ इस होटल में उस रात को पार्टी में जो कुछ भी किया था मुझे उसके बारे में पता करना है।